हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल A1 रियल हब के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। दोस्तों, आइए इन्वेस्टमेंट को जरा डिटेल से जानते हैं। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आज हम उपभोग नहीं कर सकते, लेकिन भविष्य में उसका यूज अवश्य कर सकते हैं। आइए इन्वेस्टमेंट को थोड़ा और डिटेल से जानते हैं। इन्वेस्टमेंट में दोस्तों सबसे पहला जो पार्ट है वो है शेयर मार्केट। जी हाँ, शेयर को आमतौर पर ग्रोथ इन्वेस्टमेंट के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि इसमें कंपनी अपना प्रॉफिट शेयर होल्डर में शेयर करती है और अपने शेयर इशू करती है, जो कि आज के टाइम में ब्रोकर्स के द्वारा खरीदे भी जा सकते हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए होती है जिनको शेयर मार्केट की अच्छी नॉलेज होती है, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं, इसलिए इसकी जानकारी, भरपूर जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि इसमें इन्वेस्ट तभी करें जब आपको संपूर्ण जानकारी हो जाए। दोस्तों, जो दूसरे नंबर पर इन्वेस्टमेंट का जरिया आता है वो होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। इसके बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। फिक्स्ड डिपॉजिट एक ऐसी चीज है जिसमें लगभग 40% लोग तो करते ही हैं इन्वेस्ट। इसमें दोस्तों सरकार और कंपनियां शेयर इश्यू करती है और उन्हें उचित रेट पर ब्याज देती है। इसके अंदर दोस्तों रिस्क कम होता है, इसलिए इसके अंदर प्रॉफिट भी हमको कम मिलता है। जहां रिस्क कम होगा वहां पे प्रॉफिट भी बहुत ही कम होगा। हमारी जो आखिरी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने वाला हूं वो है गोल्ड। इस इन्वेस्टमेंट के बारे में दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, पहले के समय में इन्वेस्ट करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन आज के समय में बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। आज मैं आप लोगों को उन प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको मैं एक चीज बताने वाला हूं। दोस्तों, सन 2002 में गोल्ड की वैल्यू 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 5,000 रुपये थी, और आज 2021 में उसी 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 50,000। यानी कि अगर किसी ने सन 2002 में उस गोल्ड को संभाल कर रखा होगा तो आज उसकी वैल्यू 50,000 रुपये हो चुकी है। और आप इसे किलोग्राम में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि गोल्ड में कितना ग्रोथ हुआ, यानी कि 18 सालों के अंदर कितना ग्रोथ बढ़ा है, और आने वाले सालों में भी गोल्ड की वैल्यू बहुत ही हाई रेट पर जाएगी। मैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे 10 रुपए से गोल्ड को इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे दो प्लेटफॉर्म बताऊंगा जिसमें आप 10 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम। और दोस्तों, हमारी इस वीडियो से अगर आपको 1% भी अगर आपकी नॉलेज इम्प्रूव हुई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।